ये वीडियो जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दरभंगा के महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने स्थित जोगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल की है और ये वीडियो स्टिंग की गई है। यहाँ पहले डॉक्टर से दिखाने की फीस 500 रुपए थी लेकिन इनसे 1500 रुपया मांगा जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी के बीच मिथिला लाइव 24 को जब ये वीडियो मिला तो दो पत्रकारों को अस्पताल प्रशासन से इस पर पक्ष लेने को भेजा गया, मगर वहाँ जिस प्रकार उन पर जानलेवा हमला हुआ वो काफी भयावह है और स्वतंत्र पत्रकारिता पर बड़ा हमला है। पहले वो वीडियो देखिए और फिर उन पत्रकारों से जानिए पूरी दास्तान। बोल डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, देखवाना था। पर्चे तो कहिए कितना का? 1500 रुपया? 1500 फीस भैया? 500 रुपया ना? 1500 रुपया कब? 500 रुपया अभी लगता था थोड़ी दिन पहले से। क्या करोगे दादी जी, कुछ पूछ आए थे मिथिला लाइफ 24 की तरफ से जोगिंदर मेमोरियल हॉस्पिटल में। यहाँ पे जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने काफ़ी बर्बरता दिखाई और ये हमारा माइक था उसको तोड़ दिया उन्होंने। और यहाँ पे जो मामला है कि इन्होंने 500 की जगह 1500 रुपये फीस कर दिया है, जबकि ऐसी विपत्ति में DM साहब का आदेश है कि आप नहीं बढ़ा सकते हैं। इस विपत्ति में भी उन्होंने इस तरह से बर्बरता की पूरा लेवल। नमस्कार, आज जो हमला हुआ हमारे पत्रकारों पर वो मीडिया जगत के लिए और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे साथ हमारे कैमरामैन इनायत, हुआ कुछ यूँ था कि ये तो हमारे पत्रकार हैं, ये हमारे पास एक वायरल वीडियो आया जोगिंदर मेमोरियल हॉस्पिटल महारानी कल्याणी दरभंगा के सामने में जो है, वहाँ से एक वीडियो आया, स्टिंग वीडियो था एक आम नागरिक के द्वारा किया गया था, जहाँ 500 की जगह 1500 रुपया फीस लिया जा रहा था, जिसकी स्पष्टीकरण के लिए हमने अपने दो पत्रकारों को वहाँ भेजा। उसके बाद जो हुआ वो घटना शायद दरभंगा के इतिहास में पहली बार हुआ हो। कि क्या हुआ आपके साथ? जब मैं वहाँ गया तो रिसेप्शन वाले से हमने पूछा, हम और शहनवाज भाई हम दोनों पूछे कि मुझे ना यहाँ के अथॉरिटी जो है उनसे उनसे मिलना है, तो उन्होंने बताया काम क्या है। हम कहे कि मेरे पास एक वीडियो आई है जिसमें वो 500 रुपये फीस की जगह 1500 रुपये फीस लिया जा रहा है। तो उन्होंने कुछ देर के बाद अंदर जाके डॉक्टर से बात किया, तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया हम दोनों को। जब मैं गया तो वहाँ पे मतलब माइक छीन के इनसे रूडली बात करके उनसे माइक छीन के तोड़ तार दिया गया, मुझे धक्का मार के बाहर से बाहर निकाल दिया। कैमरा पे भी हमला किया गया था, कैमरा तोड़ने तो आपको बाहर निकाल दिया गया? जी, मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। तो अंदर ये शहनवाज भाई, आपके साथ जो क्या हुआ, आपने मतलब क्या डॉक्टर के क्या सवाल किया था? जब मैं अंदर गया तो उन्होंने पूछा किस चैनल से, तो मैंने बताया कि मैं मिथिला लाइफ 24 से आया हूं और हमारे पास एक वीडियो आया है उसकी स्पष्टीकरण के लिए मैं आपसे बात करने आया हूं। उतने में ही वो काफी गुस्से में आ गए और मेरे हाथ से माइक छीना और काफी कस के पटका, ये आप देख सकते हैं माइक का हाल, पूरे टुकड़े में बट गए हैं ये माइक। और उसके बाद उन्होंने मुझे काफी धमकियां दी, बोले कि मैं बता दूंगा कि क्या न्यूज चैनल और क्या मिथिला लाइफ 24। और जब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा तो ये रुमाल, जब मैं गया था तो ये मेरे गर्दन में था, नाक पे था रिसेप्शन तक। उसके बाद जब मैं आगे गया तो मैं इसको खोल के पॉकेट में रख लिया था ताकि ये रुमाल के साथ मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए मैंने रख लिया। तो उन्होंने उसका एक विकल्प लिया कि तुम वायरस फैला रहे हो, और उन्होंने इसके लिए कोई बात नहीं करी, मेरे कैमरामैन के साथ धक्का धुक्की करा उन्होंने, माइक तोड़ दिया, मैंने माइक उठाया, उसके बाद उन्होंने मेरा फोटो खींचा कि मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, इस तरह का लैंग्वेज उन्होंने यूज किया। अब ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि देखने से क्या मतलब है उनका, कि मैं तुम्हें देख लूंगा इससे क्या मतलब है, ये मैं आपको खुल के नहीं बता सकता हूँ, ये वही बताएंगे। और काफी बुरी तरह से उन्होंने बात की, उन्होंने बोला कि मैं 500 की जगह 5000 रुपया लूंगा, कल से जो करना है कर लो, जो दिखाना है दिखा दो। तो मैंने उनसे कहा कि आप 500 की जगह 50000 लीजिए, लेकिन उससे कोई बहस नहीं है, आपका हॉस्पिटल है, लेकिन आपने क्यों किया, हो सकता है आपकी कोई दूसरी वजह हो। दरअसल हम वहां पे सिर्फ स्पष्टीकरण के लिए ही गए थे, हमारा कोई दूसरा मोटिव नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बर्बरता की और जिस तरह से उन्होंने बदतमीजी से बात किया हमारे साथ, रूडली बात किया, कैमरामैन के साथ धक्का धुकी, हमारे कैमरे छीनने की भी कोशिश की गई, लेकिन फिर कैमरामैन को धक्का देके इन लोगों ने बाहर कर दिया। ये चीजें हमारे साथ हुई। फिर बाद में हमने रिसेप्शन पे भी जो लोग थे उन्होंने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, और उस कमरे में लगभग 5 से 6 लोग थे,
उस कैमरे उस कमरे में 5 से 6 लोग थे और सबों ने मतलब हमारे साथ घेर लिया हमें, मुझे कैमरामैन को बाहर करने के बाद मुझे घेर लिया और काफी बदतमीजी से बात करी उन लोगों ने मेरे साथ। और जब मैंने उनको रुमाल दिखाया कि मैंने रुमाल बांधा हुआ था, तो उन्होंने रुमाल अपने हाथ में ले लिया, मेरे हाथ से छीन लिया उन्होंने। ये सारी घटना हुई हमारे साथ आज।